हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी जो भी स्टूडेंट एमपी टेट प्राइमरी टीचर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी अन्य एग्जामिनेशन जिसमें आपको इंग्लिश आएगी, तो ये क्लास आज की आपको बहुत ही यूजफुल होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हम क्लास को। इसके पहले ही मैंने टेंस पर और ग्रामर में बहुत सारे वीडियोज और बनाई हुई है, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो यदि आपने हमारे अभी तक पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए, और ये सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में जा करके मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम क्लास को। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है यहाँ पर, हालांकि यहाँ 19 से है, इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन हैं उन पर ये क्लास बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके टेंस देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपको उसमें मिल जाएगी क्लास। चलिए, तो पहला सेंटेंस है माय फेवरेट फिल्म इज शोले, यानी मेरी जो फेवरेट फिल्म है वो कौन सी है, शोले है। डैश इट फोर टाइम्स, यहाँ पर आपको फिल करना है आई एम सीइंग, आई सी, आई सा और आई हैव सीन। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मेरी फेवरेट फिल्म शोले है। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट टेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ भी जो टेंस हम फिल करेंगे वो भी आपका प्रेजेंट में ही होगा। अब हमें ये देखना है कि आप किस में फिल करें। आई एम सीइंग, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी सी का अर्थ आंखों के देखने से होता है तो सी वर्ब को कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि सी आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, ठीक है। इसके बाद ये सेंटेंस मैं बताऊं तो आपका फिल किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब क्यों किया जाएगा वो देख लीजिए कि मेरी फेवरेट फिल्म शोले है, ठीक है, और मैंने इसे कितनी बार देखा है, फोर टाइम्स देखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी और भी देखने की उम्मीद है, और ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका माई फेवरेट फिल्म इज शोले, आई हैव सीन इट फोर टाइम्स, तो राइट ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 20। सेंटेंस नंबर 20 में है आई डैश आउट लास्ट नाइट, आई वॉज टू टायर्ड, यानी मैं बहुत थका था। सबसे पहले जब भी आप टेंस को फिल करें या कोई वर्ब फिल करते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर वाच लगा हुआ है तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट में है। तो फिर ये जो आगे का सेंटेंस है ये भी आपका किस में बनाया जाएगा, ये सेंटेंस भी आपका पास्ट टेंस में ही बनाया जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट नाइट, तो याद कर लीजिए लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, जब भी ये एडवर्ब आपका टाइम एडवर्ब आपका सेंटेंस में लगा हो तो वो सेंटेंस आपका बनाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो रहा बी, आई डिडंट गो आउट लास्ट नाइट, तो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है मोहित इज फ्रॉम पुरी, मोहित पुरी से है, ही डैश देयर ऑल हिज लाइफ, यहाँ पर आपको फिल करना है इज लिविंग, हैज लिव्ड, लिव्स एंड लिव्ड, यानी कि कौन से टेंस में फिल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा ऑल हिज लाइफ के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पर यूज किया जाएगा ही हैज लिव्ड देयर ऑल हिज लाइफ। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 22। माई फ्रेंड डैश फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, इस तरह की कंस्ट्रक्शन मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत सारी एक्सरसाइज में मैंने बताया है कि जब भी सेंटेंस में व्हेन के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट तो जो सेकेंड सेंटेंस आता है वो आपका बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या है, कार्य प्रोग्रेस में है कि मेरा दोस्त मेरे लिए और इंतजार कर रहा था जब मैं आया, और वैसे भी जो वेट वर्ब होती है आपकी ये आपकी प्रोग्रेसिव वर्ब ही है, क्योंकि जब भी सेंटेंस में वेट आता है तो एक्शन वहाँ पर चलता रहता है। आपने शायद, मुझे नहीं लगता है कि 99% में आपका वेट को हमेशा कंटिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ भी जो वेट होगी वो आपकी कौन से, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो सी होगा वो यहाँ पर हो जाएगा राइट। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 23। सेंटेंस नंबर 23 में है हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश एंड 6 मंथ। ओके, तो यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पर 4-6 मंथ इस तरह से आंसर है। कोई आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश और आंसर दे आप बता रहे हैं 4-6 मंथ्स। ऑप्शन है डू यू लर्न, आर यू लर्निंग, यू आर लर्निंग एंड हैव यू बीन लर्निंग।
तो देखिए, जब भी क्वेश्चन हाउ लॉन्ग से होता है तो हमें क्या बताना होता है, उसमें टाइम हमसे पूछा जा रहा है। और टाइम कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सिंस फोर के साथ टाइम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी हैव यू हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर आपका 24। प्रणव इज बंगाली बट ही लिव्स इन ओडिशा, ही हैज बीन हियर। यहाँ पर आपको यूज करना है, क्या यूज किया जाएगा? अब वो यहाँ कितने सालों से है? थ्री इयर्स अगो। देखिए, जब भी सेंटेंस में प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो एगो का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि एगो जो एडवर्ब है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। तो इसमें आता है सेंस ऑफ फोर के बाद टाइम। अब हमें ये देखना है कि जब भी सेंटेंस में टोटल पीरियड ऑफ टाइम होता है तो यूज किया जाता है फोर थ्री ईयर्स हो रहा, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर थ्री ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 25। एंड सेंटेंस नंबर 25 में है व्हाट टाइम डैश क्वेश्चन मार्क है, और आंसर दे के कोई बता रहा है अबाउट एन आवर एगो। हैज सी फाउंड, सी हैज फाउंड, डिड सी फाउंड एंड इज सी फाउंडिंग। देखिए, अभी मैंने लास्ट सेंटेंस में आपको बताया है एगो के बारे में कि एगो जब भी किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो वो सेंटेंस बनता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस सेंटेंस को बना देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डिड सी फोन। तो व्हाट टाइम डिड सी फोन, तो आंसर है अबाउट एन आवर एगो। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 26। दोस्तों, यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 26। तो यहाँ पर है व्हाट डैश व्हेन यू सॉ हर। अभी मैंने आपको बताया है कि व्हेन के बाद जब पास्ट सिंपल टेंस आता है तो मोस्टली ये सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। ऑप्शन है डिड रीता बियर, वाज रीता बियरिंग, हैज रीता बॉर्न एंड वाज वियरिंग रीता। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपका, व्हाट वाज रीता वियरिंग व्हेन यू सॉ हर, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 27। सेंटेंस नंबर 27 में कोई आपसे पूछ रहा है कैन यू ड्राइव, क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? तो सामने वाला पर्सन कहता है नो डैश ए कार आई वॉन्ट टू लर्न, यानी कि जब वो ना बोल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कार का भी ड्राइव नहीं किया। तो आई नेवर ड्राइव, ओके, आई एम नेवर ड्राइविंग, आई हैव नेवर ड्राइवन एंड आई वाई नेवर ड्राइव। देखिए, तो जो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेवर का यूज यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ पर यूज किया जाएगा सी, आई हैव नेवर ड्राइवन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 28। सेंटेंस नंबर 28 में है आपका सेंटेंस नंबर 28 में है आई सा नीलम एट द स्टेशन, मैंने नीलम के स्टेशन पर देखा। व्हेन आई वाज गोइंग टू वर्क दिस मॉर्निंग, जब मैं आज सुबह काम पर जा रहा था। व्हाट सी डॉट डॉट मी, लेकिन अब यहाँ पर आपको फिल करना है डिडंट सी, डोंट सी, हैजंट सी या डिडंट सॉ। तो अभी आपको मैंने बताया कि जब भी सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस भी आपका किसमें बनेगा, पास्ट में ही बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो दोनों सेंटेंस आपके ये हैं वो पास्ट में ही हैं। तो आई सॉ नीलम, मैंने नीलम को स्टेशन पर देखा जब मैं काम पर जा रहा था, लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। तो कौन सा टेंस ऑप्शन हो रहा आपका, ऑप्शन नंबर 1 डिडंट सी, तो ये हो जाएगा सी डिडंट सी मी। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 29। आई एम बिजी एट द मोमेंट, मैं इस समय बिजी हूँ डैश ऑन द कंप्यूटर, मैं इस समय बिजी हूँ, इसका मतलब यू आर समवन इज डूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई व्यक्ति बोलते समय कोई काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है। और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जितने भी वर्क किए जाते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर करेंट ऑप्शन हो रहा वो हो जाएगा आई एम वर्किंग, आई एम बिजी एट द मोमेंट, आई एम वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, तो राइट आंसर इज वी। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 30। सेंटेंस नंबर 30 में है माई फ्रेंड डैश टू फ्रेंड डैश द आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड ऑप्शन है इज नो नो नोइंग एंड एक और आपका ऑप्शन है यहाँ पर नोज। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले
कि क्या फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नो वर्ब है आपकी, ये जो नो वर्ब है ये आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, यानी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। एंड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आर सच टाइप ऑफ वर्ब दैट कैन नॉट बी यूज सिंपली इन कंटीन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। यानी नो वर्ब सामान्य तरीके से कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं की जाती और नो नॉर्मली कंटीन्यूअस में यूज होती ही नहीं है। तो इस सेंटेंस को हमें बनाना होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें एस आई एस लगा हुआ है। राइट आंसर होगा डी। और ये नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 31। सेंटेंस नंबर 31 में है, एट 9 o'clock यस्टरडे, कल 9 बजे, कल यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह 9 बजे सी डैश फॉर द बस। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में वेट वर्ब आती है तो दोस्तों किस में यूज की जाती है आपकी, मोस्टली प्रोग्रेसिव टेंस में ही यूज की जाएगी। प्रोग्रेसिव मीन्स कॉन्टिन्यूस टेंस। और यहाँ पर लगा हुआ है यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या बताता है आपको, ये बताता है पास्ट। तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका होगा सी ऑप्शन इज राइट। क्या हो जाएगा, एट 9 o'clock यस्टरडे मॉर्निंग सी वॉज वेटिंग फॉर द बस। ओके, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 32। एंड सेंटेंस नंबर 32 में, व्हेन आई लुक्ड अराउंड द डोर द बेबी डैश क्वाडली, जब मैंने दरवाजे के पास देखा बेबी क्या कर रहा था, क्वाडली स्लीपिंग स्लेप्ट वाज स्लीपिंग एंड वर स्लीपिंग। तो सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा या पास्ट टेंस में बनेगा। तो पहले सेंटेंस को जब हम ध्यान से देखें तो पास्ट सिंपल टेंस में बना है, तो यानी कि ये वाला सेंटेंस तो यूज नहीं किया जाएगा। ओके, एंड अब हम देखते हैं स्लेप्ट आएगा क्या, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम बताता है जो बेबी तो सो रहा होगा ना, तो काम चल रहा है। जब भी कोई काम पास्ट में प्रोग्रेस में था तो कैसे बनाते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। एंड बेबी है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यूज किया जाएगा आपका वॉज स्लीपिंग, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एडजुलरी वर्ब वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो रहा वो हो जाएगा सी। एंड आंसर इस तरह से हो रहा, फिर व्हेन आई लुक्ड अराउंड द डोर द बेबी वॉज स्लीपिंग क्वाइटली। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 33। हियर इज माई रिपोर्ट, ये मेरी रिपोर्ट है डैश इट एट लास्ट। ओके, अब यहाँ पर यूज करना है आई फिनिश, आई फिनिश्ड, आई एम फिनिश्ड एंड आई हैव फिनिश्ड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा माइंड कीजिए इसे। ओके, तो यहाँ पर आपका एफ बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर पास्ट टेंस में भी है आपका, है ना। पहले ये देखिए सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा पास्ट में, जब पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ये सेंटेंस भी आपका नॉर्मली प्रेजेंट में ही बनाया जाएगा। तो आई फिनिश हो रहा है, या यहाँ पर क्या लग रहा है, एट लास्ट मैंने इसे फिनिश कर लिया, तो सेंटेंस का जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है डी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा हियर इन माई रिपोर्ट आई हैव फिनिश्ड इट एट लास्ट। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 34। सेंटेंस नंबर 34 में है, आई हैव डैश मेड सम कॉफी इट इज इन द किचन, मैंने कुछ कॉफी बनाई है जो किचन में है। यूज करना हमें इन चार एडवर्ब में से एवर, जस्ट, नेवर, येट में से क्या यूज किया जाएगा। तो आप याद कर लीजिए कि एवर जब भी प्रेजेंट परफेक्ट, ये चारों जो एडवर्ब हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी नॉर्मली परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। तो एवर का यूज या तो एवर का यूज मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। जस्ट का यूज आप पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव किसी में भी कर सकते हैं। नेवर का यूज ये निगेटिव बना देगा, और इंट्रो येट का यूज हमेशा निगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही किया जाता है। अब सेंटेंस लिखा हुआ है आपका पॉजिटिव, ये तो एवर आता है क्वेश्चन में, नेवर से तो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि मैंने कॉपी बनाई है जो किचन में है, तो कॉपी है, निगेटिव अर्थ नहीं है। येट का यूज किया जाता है इंट्रोगेटिव या निगेटिव में, लेकिन सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। तो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वी, यानी आई हैव जस्ट मेड सम कॉफी इट इज इन द किचन। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 35। सेंटेंस नंबर 35 में है, रोहन डैश इल फॉर 3 वीक्स ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल, यानी रोहन 3 हफ्ते से बीमार है और अभी भी वह कहाँ पर है, हॉस्पिटल में है। तो ये सेंटेंस बना हुआ है प्रेजेंट में, तो इस सेंटेंस को ही बनाना है प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना दिया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा आपका हैज बीन, यानी रोहन हैज बीन इल फॉर 3 वीक्स ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल। तो राइट आंसर होगा आपका वी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 36। यहाँ पर है आपका एम, माई,
माई आर्म्स आर एच इन नाव, मेरे आर्म्स में अभी दर्द हो रहा है बिकॉज, क्यों हो रहा है, डैश सिंस 8 o'clock, यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सबसे पहले हम देखें सेंटेंस ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में बनाना है। अब सिंस ऑफ उसके बाद टाइम किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा कि आई हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग सिंस 8 o'clock। ओके, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 37। सेंटेंस नंबर 37 में आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ, डैश ओवर 400 किलोमीटर्स टुडे। मैं क्यों थका हुआ, क्योंकि मैंने 300 किलोमीटर ड्राइव की है। तो आई हैव ड्राइवन ओवर 400 किलोमीटर्स टुडे। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी। आप भी कमेंट करते जाइए और क्लास को लास्ट में ये बताना है कि आपको आज की क्लास किस तरह की लगी है। और आज की जो क्लास है वो एक स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था, सर ये इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा क्लास भी बना दीजिए जिससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उसी के क्वेश्चंस को लेकर के आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 38। सेंटेंस नंबर 38 में है व्हेन ही डैश द कार ही टुक इट आउट फॉर ए ड्राइव। यानी कि सेंटेंस ये लिखा हुआ है पास्ट में, तो ये भी सेंटेंस आपका अच्छे से बनेगा पास्ट में ही बनाया जाएगा। यानी कि अब वो ड्राइव के लिए कब जा पाएगा, जब कार की क्या हो जाएगी, रिपेयरिंग हो जाएगी। तो सेंटेंस को जब हम ध्यान से देखें तो पास्ट में आपके कौन कौन से सेंटेंस हैं, बी ऑप्शन नहीं होगा, बाज अब ये बाज रिपेयर तो पैसिव में जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा आपका, सॉरी करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा आपका सी नंबर, रिपेयर्ड। व्हेन ही रिपेयर्ड द कार ही टुक इट आउट फॉर ए ड्राइव, पास्ट टेंस में। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 39। एंड सेंटेंस नंबर 39 में सोनिया इज आउट ऑफ ब्रीथ, सोनिया बहुत तेज सांस ले रही है, क्यों ले रही है, क्योंकि डैश यहाँ पर आपको फिल करना, सी हैज बीन रनिंग, सी डिड रन, सी हैड बीन रनिंग एंड सी हैज रन। तो सबसे पहले आप देखें दो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बने, जब यहाँ पर इज लगा हुआ है तो पास्ट का यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। तो देखिए मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में सिंस ऑफ फोर हो तभी यूज किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में जब भी सिंस और फोर हो तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना, विदाउट सिंस ऑफ फोर के भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब एक्शन का जो इफेक्ट है वो वर्तमान में अभी भी हो, तब सेंटेंस में विदाउट सिंस ऑफ फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज सुबह आप जाके आपने बाहर देखा विंडो से, आपने देखा कि द इट इज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी, बट द ग्राउंड इज वेट, या फिर आपकी जो स्ट्रीट्स थी वो गीली थी, तो इसका मतलब ये हुआ इट हैज बीन रेनिंग। इसमें एक्शन में आप समझिए कि इसमें एक्शन फिनिश हो जाता है, लेकिन उस एक्शन का प्रभाव अभी भी वर्तमान से जुड़ा होता है। ठीक इसी तरह जिस तरह से सोनिया आउट ऑफ ब्रीथ है, यानी कि उसके दौड़ने की वजह से, रनिंग करने की वजह से क्या हो रही, वो आउट ऑफ ब्रीथ हो रही है ना, तो उसका जो प्रभाव है वो अभी भी जुड़ा हुआ है कि आउट ऑफ ब्रीथ है। तो इस सेंटेंस का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ए, यहाँ पर राइट आंसर होगा सी, सोनिया इज आउट ऑफ ब्रीथ बिकॉज सी हैज बीन रनिंग। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आपका आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, मुझे सेंटेंस समझ में नहीं आया, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन इज द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। यदि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।